ऐसे ही काजल लगा मतलब देखो तुम ऐसे हाँ बने तेरी अखियां सुरमे क्यों भाई चाचा एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी टेस्ट करा के आई हूँ, अल्ट्रासाउंड भी कराया है और तबीयत तो ठीक नहीं है। और चलिए खैर वो तो चल ही रहा है, जो भी है मैं आपको दिखाती हूँ। ये है नया वाला घर जो मैं पहले एक बार ब्लॉग में बता चुकी हूँ। नया घर हमारा जो बन रहा था, शादी यहीं से मतलब कुछ रस्में यहीं से हो रही हैं। तो आज है काजल, मेहंदी और जो देवताओं वाली पूजा होती है वो सब है। तो चलिए अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि क्या माहौल है, कौन कौन है, कौन कौन आ गया है, कितने सारे लोग आ गए हैं। तो अभी तो सिर्फ घरेलू प्रोग्राम ही है, तो चलो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से एंट्री है हमारे नए घर की और काफ़ी बड़ा मकान ये बन गया है, थर्ड फ्लोर तक बन गया है। और ये हमारा रहेगा ड्राइंग रूम, यहाँ पे स्टडी रूम और इस तरफ है किचन जो कि ओपन किचन बनेगा मॉड्यूलर टाइप्स में। और यहाँ पे पापा मम्मी का बेडरूम रहेगा। तो पूरा घर मैं आप लोगों को ना अच्छे से दिखा दूँगी बाद में, कम्प्लीट हो गया है अब तो। और इसके बेडरूम से लगा हुआ ही पूजा घर बनवाया है मैंने अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि अब एज हो गई है तो दूर दूर वाली चीज़ नहीं हो पाती और दोनों के पैरों में प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे बुआ है मेरी, ये कर रही हल्दी कूट रही, कोई रस्में है जो चल रही हैं, ये मैंने भी कूटी थी। मेरी वीडियोस कहीं आपको अभी इसमें नहीं मिलेंगी क्योंकि मैं अपने कैमरे से जो शूट कर रही थी उसमें मैं कुछ भी कर रही हूँ तो नहीं आया है। तो मेरी वीडियोस भाई की उसमें है, रिकॉर्डिंग में है, अभी वो ट्रैवलिंग में है और पहले तिरुपति गया था लोग शादी के बाद, उसके बाद वो लोग फिर अभी सिंगापुर वापस चले गए हैं तो अभी वो नहीं सेंड कर पा रहा है मुझे। तो आप लोग सुनिए भजन गा रही है यहीं पर देवताओं की पूजा होगी हो रही है, मतलब एक दिन हो चुकी है। और ये जो मिट्टी के बनाए जाते हैं ना बर्तन, वो छोटे छोटे रूप में ही बनाए हैं। मटियाना जो मटियाने की भी वीडियो नहीं है मेरे पास। और पूजा के रूम में गैस इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर ही देवताओं का जो प्रसाद बनता है ना, खाने की जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो यहीं पे इन्हीं के सामने ही बनाई जाती हैं। तो वो मेरी मम्मी बनाई है। तो ये जो चीज़ें भोग के लिए बनती हैं या देवताओं की पूजा में बनती हैं वो यहीं पर रख के बनाई जाती। वैसे तो ये उस मिट्टी के बर्तनों पे बनती थी पहले जो कि मटियाने से मिट्टी ला के बनाए जाते हैं, बट अब इतना कोई करता नहीं है, हो नहीं पाता है, बड़े बड़े बर्तन वो मिट्टी बन नहीं पाता चूल्हा वगैरह। तो वैसे तो वो चूल्हा बनाया जाता है फिर उसको सुखा के ना उसी पर ये वाली जो चीज़ें बनती हैं प्रसाद की उसी पर बनती है उसी चूल्हे पर, बट अब ऐसा हो नहीं पाता तो मम्मी ने वहीं पर गैस रख लिया है और उसी पे बनाएंगी। वैसे जो बड़ा मतलब सारा खाना जो होता है वो तो बन ही चुका है, इस दिन का खाना अलग होता है, बड़े वगैरह बनते हैं इसमें, तो वो तो सारे बन गए थे, हलवाई वगैरह जो बना रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रसाद के लिए कुछ बनाना होता है तो वो मम्मी थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ बना रही है। इसमें पूहे बनते हैं और उड़द की दाल के बड़े बनते हैं, पूड़ियाँ वगैरह बनती हैं, कई सारी चीज़ें बनती हैं। मेरी
सखी संगे से गजते मेरे मन के बल से गजते कुछ मन जैसे अखाड़े पवन के तो ये सब चीज़ें जो बनी हैं वो यहाँ पे इसमें जो मटके रखे जाते हैं उसमें भरते हैं और ये शायद बरी जो बनाई थी मम्मी ने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई मैं तो बरी बनी थी वो भर रहे हैं और यहाँ पर जो साड़ी वगैरह रखी हुई है वो माता की चढ़ाने के लिए ना रखी हुई है और मेरा भाई बैठा है और पापा हैं और जो हमारे भैया लगते हैं फैमिली के वो हैं तो इसमें फैमिली के लोग ही पूजा मतलब जो परिवार वाले होते हैं ना केवल वही इस पूजा में पार्ट लेते हैं लड़कियां नहीं करती क्योंकि लड़कियां दूसरे घर की होती हैं। आप ये जो कैमरा देख रहे हैं ना मेरे भाई के हाथ में इसी में सारी की सारी रिकॉर्डिंग है तो वो मेरे पास नहीं आई है अभी तो बस गाने बजाने चल रहे हैं अंदर तो यहाँ पर मामी कर रही हैं मेहंदी और काजल की रस्म वैसे भाभी करती हैं लेकिन हमारी उस समय पे ना कोई भी भाभी नहीं आ पाई थी पाँच छः चार पाँच दिन के लिए आजकल कोई नहीं आ पाता बड़े मुश्किल होता है ना कि सब लोग दूर दूर हैं लोकल में कोई भाभी नहीं थी तो इस वजह से ये फिर मामी से करवा सकते हैं तो फिर मामी से ही करवा जोड़ीदार मिल गए ना ज्यादा जोड़ी सुन ही नहीं रहे वो बोला तो रहो पूछ लो ना मम्मी हाँ एक एक पर क्यों भाई चाचा अरे हाँ भतीजा क्यों भाई चाचा खाना पीना कुछ नहीं है चाचा भतीजे को बेटू कहाँ चले गए अपनी प्लेट छोड़ के अच्छा पानी लेने मामी खाना नहीं खाओगी क्या तो बैठ क्यों नहीं रही बिट्टू खाओगे तो रखवाओ